हाँ जी बेटे, नेक्स्ट कर दें प्रॉपर्टी सातवीं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ फेलो पाइप्ड, दैट इज गिवन बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी. ठीक है, वॉल्यूम एते आप मॉड ले लेंगे बार. अच्छा, जिदा तुसी क्रॉस प्रोडक्ट दी जमेट्रिकल मीनिंग समझा कि सेगा क्रॉस प्रोडक्ट दा मीनिंग के पैलोग्राम दा एरिया, राइट. एदी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दा जमेट्रिकल मीनिंग आ नंबर जमेट्रिकली की शो करता है, पैलो पाइप दा वॉल्यूम. हुण पैलो पाइप की होंदा है, ख्याल सुनियो. पैलो पाइप बेटे एक इहो जिहा 3D स्पेस जिहड़ा बाउंड हो रहा है थ्री पेयर ऑफ पैरल प्लेन. ठीक है, जिहड़ा बाउंड हो रहा है थ्री पेयर ऑफ पैरल प्लेन. जिवें मैं समझावां तुहानूं इत्थे, जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं एक रूम च बैठे, ठीक है. हुण जिहड़े रूम च बैठे हो ते फ्लोर ते सीलिंग आपस च एक पेयर हो गया पैरल प्लेन दा, ठीक है. एंड लेफ्ट साइड वाली वॉल ते राइट साइड वाली वॉल आपस पैरल है, ते फ्रंट ते बैक. तो ये जिहड़ा स्पेस विच आ रहा है ये पैलो पाइप्ड है. सो यू आर सिटिंग इन अ पैलो पाइप्ड. ठीक है, एदी मैं इत्थे समझाया, जिवें आ उपर वाला टॉप प्लेन ते आपस पैरल, ठीक है, आ लेफ्ट ते राइट वाला पैरल, एदी फ्रंट ते बैक वाला पैरल. सो बट इहदे च की है, पैलो पाइप्ड मैं पैरल क्या है, ठीक है. सो जिदा आ बेस वाला मैं अब बनाया इत्थे, ठीक है, आ वाला मैं ड्रॉ कीता है. सो आ वाला इहदे पैरल है उपर वाले दे, राइट. हुण इहदे च तुसीं देखो एंगल 90 नहीं है लिया जनरल, ठीक है. सो पैलो पाइप्स की है, जरूरी नहीं एंगल 90 होने जनरल है. सो आ एंगल कुछ भी हो सकता है, अगर ये सारे एंगल 90 90 90 हो जाएं, ठीक है, आ वाले, तो फिर उन्होंने क्यूबॉइड कह देने आपा, ठीक है, समझे गल. सो सो क्यूबॉइड भी एक तरह का पैलो पाइप ही है, ठीक है, पैलो पाइप इन जनरल है. तो जिवें इहदी शेप तुसीं देख सकते हो, जिवें कभी बेसन बर्फी खाधा कभी, सो ओहो जी शक्ल इहदी, ओहो जिहा हुंदा ना कि उहनूं खिंचिआ हुंदा, ते आ जिहड़ा स्पेस है इहनूं असीं कह दिंदे आ पैलो पाइप्ड. सो बर्फी इज ऑल्सो पैलो पाइप्ड, सो इज बेसन, ठीक है. तो उहदे बाद हुण इहदा जिहड़ा वॉल्यूम है पुत्तर, दैट वॉल्यूम दा मैगनीट्यूड आ है, ठीक है. अच्छा, इहदा ना डेरीवेशन मैं अग्गे प्रॉब्लम कराउणा, उहदे च मैं करूँगा, हले सिर्फ तुसीं रिजल्ट याद रखो. तो एक चीज़ एक होर चेते रखो इहदे च, जिद्दां हुण आ सपोज करो, आई होप नज़र आ रहा तुहानूं, जिवें आ ए वैक्टर लै लिया, ठीक है, आ ए ते आ बी, आ पैलोग्राम बन गई, ठीक है. आ सी वैक्टर इत्थे लिया मैं, ठीक है, इदा. हुण आ तुहाडे को एक स्पेस जिहा बन गया, ठीक है. आई आई होप यू कैन सी, दिस इज ए बी, आ पैलोग्राम वाला बेस, ठीक है, और आ सी इधर. हुण आ वॉल्यूम बन गया. नाउ इमेजिन अड़ा सी वैक्टर है, ये थले घटदा घटदा, हाइट घटदी घटदी वॉल्यूम घटेगा, घटदा घटदा ये ए ते बी दे प्लेन च ही आ जाए, ठीक है. सी घटदा घटदा नीचे आता ए ते बी दे प्लेन च ही आ जाए, तो की हो जाएगा, अगर सी वैक्टर ए ते बी दे प्लेन च ही आ जाएगा, तीनों कोप्लेनर हो जाने. कोप्लेनर होने के नाल वॉल्यूम बचेगा कुछ बेटे, वॉल्यूम तभी होगा ना, कुछ हाइट होएगी, हाइट ही घट गई, हाइट जीरो होगी तो बिल्कुल सेम प्लेन च आ गए तो वॉल्यूम जीरो हो गया, ठीक है. जिवें मैं समझाया कि तुहानूं बर्फी वांगू क्या है, तो हुण आ जे घटाउंदे घटाउंदे आ सी उहदी बर्फी दी हाइट घटाउंदे घटाउंदे, बिल्कुल सी इत्थे लो तो बर्फी ते बिल्कुल एक शीट ही बन जानी. सो देर विल बी नो मोर बर्फी अगर वो हाइट ही नहीं होएगी. सो देर फोर वॉल्यूम जीरो हो गया. सो इहदा मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट कम्स इज कि तीन वैक्टर ए बी सी आर को प्लेनर, ठीक है, ए बी सी आर को प्लेनर, ठीक है, इफ देयर वॉल्यूम इज जीरो. वॉल्यूम मतलब आ वाला जीरो हो गया, ठीक है, जीरो. देयर फॉर देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो. मैं फिर कहूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट दैट बी जेई, लेट दैट बी थोड़ा स्कूल एग्जाम, यदा ऑलमोस्ट कन्फर्म सवाल है, वो किसी ना किसी तरीके घुमा फिरा के पूछ लेंगे, तीन वैक्टर है जी को प्लेनर है, कुछ नहीं करना उन्हों का. आ की चीज़ है डिटर्मिनेंट, आ सिंपल एक डिटर्मिनेंट, आ पहला वैक्टर पहली रो, दूजा वैक्टर दूजी रो, तीजा वैक्टर तीजी रो, इक्वल टू जीरो करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो उत्तों थोड़ा आंसर आ जाएगा, ठीक है. सो अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, यह मतलब तिने वैक्टर सेम प्लेन चलाई कर दे, ठीक है. अगर ये जीरो नहीं आया तो यह मतलब वो को प्लेनर नहीं है, समझाई गल, इज दैट क्लियर. सो जिदा हुण मैं सपोज कहां कि वो कहेगा जी आ चेक करो कि ए आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, एंड बी टू आई प्लस जे प्लस के, एंड सी इज आई प्लस लैमडा जे, ठीक है, प्लस के. वो कहता फाइंड लैमडा सच दैट ए बी सी आर को प्लेनर, ठीक है, ए बी सी आर को प्लेनर. अगेन ए फिर मैं कहाँ कन्फर्म ही सवाल है. सो इफ ए बी सी आर को प्लेनर, देयरफॉर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हाट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। हाँ जी, हम पहला वेक्टर पहली रो, हाँ जी दैट इज ए दे कंपोनेंट वन वन वन, दूसरा वेक्टर हाँ जी बी दे टू वन वन, एंड तीजा सी दे वन लैम्डा वन, ठीक है इक्वल टू जीरो। तो तुसी लैम्डा सॉल्व कर लो, ठीक है एक्सपेंड करके, बाकी तुसी अगे डिटर्मिनेंट पढ़ लोगे तो उदियां प्रॉपर्टीज ला के ईजी हो जाता होर, दैट्स इट। ठीक है, सो आ याद रखियो। और नेक्स्ट यदि कॉलरी के अगर चार पॉइंट्स, इफ फोर पॉइंट्स ए बी सी डी, ए द पोजिशन वैक्टर ए, बी द बी, सी द सी वैक्टर, ते डी पॉइंट द डी वैक्टर, आर कोप्लेनर। ठीक है, अच्छा हुण मैं डिड्यूस कर देना, आ समझो। आ पहला पॉइंट, दूजा, तीजा, पहला मैं बिगनिंग च वीडियो समझाया कि तीन पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होंगे, सिंपल इन्हें ज्वाइन कर दो, ट्रैंगल बन गई, एक प्लेन आ गया। चौथा पॉइंट, तीन पॉइंट तो हमेशा एक प्लेन च ही होंगे। चौथा पॉइंट हुण इत्थे होया, इन्हां दे प्लेन ते कोप्लेनर हो गया, अगर इत्थे बाहर होया तो कोप्लेनर नहीं हुए। देखो ना, इत्थे ए बी सी डी चारों कोप्लेनर नहीं है, ए बी सी ते होणगे होणगे। सो अगर चार पॉइंट ए बी सी डी कोप्लेनर है, उहदी कंडीशन की होंदी है, की करो, आ एक वैक्टर बना लो, अगर आ चारों पॉइंट ए बी सी ते डी अगर कोप्लेनर ते, इन्हां तो जिहड़े तीन वैक्टर बनने हैं आ वाले, ये भी कोप्लेनर होने, गल खत्म। सो आ वाला वैक्टर किहड़ा होएगा, बी माइनस ए, बिकॉज एदा पोजिशन वैक्टर ए है, एदा बी, एदी आ किहड़ा होएगा सी माइनस ए, ते आ किहड़ा होएगा डी माइनस ए। ठीक है, सो अगेन वंस अगेन, इफ दीज फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर, हेंस दीज थ्री वैक्टर्स आर ऑल्सो कोप्लेनर, हेंस अगर आ तीन वैक्टर कोप्लेनर है तो इन्हों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होएगा। सो बी माइनस ए, सी माइनस ए एंड डी माइनस ए, ए जीरो होएगा। तो की करो, तुहानू ए वैक्टर दिता होएगा, बी वैक्टर दिता होएगा, सी ते डी, तो बी माइनस ए, सी माइनस ए, आ तीन वैक्टर आ गए कढ़ के, इहदा डिटरमिनेंट कढ़ लो, अगर ये जीरो आ गया तो आ चार पॉइंट कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, गल समझ आ गई। सो इहदा भी एक एग्जाम्पल फटाफट मैं कहां कि लच्छे एक ए पॉइंट है जिहदा पोजिशन वैक्टर है लच्छे आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, दूजा पॉइंट है टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, एंड थर्ड पॉइंट इज, क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट, थर्ड लिख लो कोई, टू आई माइनस जे प्लस लच्छे टू के, एंड चौथा पॉइंट ले लो, ठीक है लच्छे थ्री आई प्लस जे प्लस लैम्डा के, क्वेश्चन इज फाइंड लैम्डा, अगेन दिस इज फॉर बोर्ड एज वेल, मैं फिर कह रहा हूँ, फाइंड लैम्डा सच दैट द पॉइंट्स विद पोजिशन वैक्टर ए बी सी डी आर को प्लेनर। ठीक है, यदा मतलब आ चार पॉइंट एक प्लेन च लाइक करते हैं, मैं थोड़ा हमने समझाया, अगर चार पॉइंट एक प्लेन च लाइक करते हैं, यदा मतलब आ तीन जड़े वैक्टर बने हैं, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, उन्हों का डिटर्मिनेंट जीरो होएगा। तो ऑब्जेक्टिवली तो मैं समझाता है, स्कूल च करना है तो वो उन्होंने बस तुम इन्ना लिख दोगे, समझदार है। सो देर फोर सोल्यूशन गेट बी माइनस ए, ठीक है बी माइनस ए कर लो, हाँ जी माइनस कर दो इनू, हाँ जी कितना आ गया आई प्लस जे प्लस टू के, ऐदें सी माइनस ए, सी नू एच ओ, सो कितना आएगा आई, हाँ जी माइनस टू जे, समेरिकल, एंड प्लस के, एंड सिमिलरली डी माइनस ए, हाँ जी टू आई एंड प्लस जीरो जे एंड लैम्डा माइनस वन के। ठीक है, सो आ तिने वैक्टर कढ़ लै, हुण सानू पता है आ कंडीशन स्टैंडर्ड है, सो अगर ये तीन चार पॉइंट कोप्लेनर है, सो देयर फोर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी माइनस ए सी माइनस ए एंड डी माइनस ए इज जीरो एज गिवन दे आर कोप्लेनर, दिस इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट। आ पहली रो, हाँ जी पहली रो कड़ी वन वन टू, दूजी वन माइनस टू वन एंड टू जीरो एंड लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो, इतने इन सॉल्व करके लैम्डा कर लो। और अगर वो प्रूव करने कहे, इतने लैम्डा ना दिता होंगे कि लैम्डा की वैल्यू दी होंगी वन टू थ्री फोर, ठीक है फिर प्रूव करने के प्रूव दे आर कोप्लेनर, तो आ जीरो आ जाना सी फिर। ठीक है, सो आ क्वेश्चन हो गए थोड़े,
और ओदे बाद आई होप इन्ना क्लियर है बेटे थानू, ठीक है। सो आ वॉल्यूम नू प्रेजेंट करदा है, और अगर सीधे सीधे दिते है कि आज ही साइडां दे अलोंग वैक्टर है तो वॉल्यूम लभो सीधा कर लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो अगर कोप्लेनर है तीनों ही वैक्टर तो स्केलर ट्रिपल जीरो, 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो थोड़ा कंडीशन करा दे, ठीक है। ओके बेटे ये हम प्रॉब्लम कर दें मिसलिनियस, ठीक है। सो आई होप प्रॉपर्टीज थोड़ा क्लियर है सारियाँ, ठीक है। सो बेसिक प्रॉपर्टीज की सगियाँ कि डिटरमिनेंट नाल स्केलर ट्रिपल की वैल्यू कट सकते हैं, तो अगर दो रोज सेम है तो वैल्यू जीरो है ना, और ए बी सी का मतलब की है, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी। सो अगर एक क्रॉस हो एक डॉट हो तो उन्होंने तो एवं लिख सकते, और अगर दो सेम है क्योंकि आप बड़े बार वर्त्या जाएगा ए क्रॉस बी डॉट ए, हाँ जी, ए की वैल्यू जीरो बिकॉज एक क्रॉस है एक डॉट है, ठीक है, स्केलर बन गया ए बी ए और ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है। फटाफट करी जाओ जरा। सो स्केलर ट्रिपल आई जे के, ठीक है, हाँ जी, कितना होएगा आई क्रॉस जे डॉट के, ठीक है, व्हाट इज आई क्रॉस जे के, ठीक है, एंड के डॉट के बेटे 1 मॉड के स्क्वायर 1। सेकंड आ रिजल्ट ऑब्जेक्टिव वाले याद रखोगे, स्कूल च ए प्रूव करने को आता होंगे, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस ए दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी। उत्तरा रिजल्ट याद रखियो, ठीक है, ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज ट्वाइस ए बी सी, राइट। एंड इनू प्रूव किदा करना है, यहोजे जिन्हें भी सवाल है ना इतने कुछ मिसलेनियस एवं लिखा हो तो उन्होंने आप शुरू करा यदि डेफिनेशन तो। डेफिनेशन की सी, आ पहला वैक्टर दूजा तीजा, स्केलर ट्रिपल किमें खुलता है, पहले का दूजे ना क्रॉस से तीजे ना डॉट दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डॉट सी प्लस ए, ठीक है, इथों से शुरू करांगे हमेशा, ठीक है। ए प्लस बी ए पहले का दूजे ना क्रॉस तीजे ना डॉट या डॉट तो शुरू कर लो क्रॉस कर दो थोड़ी मर्जी है, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला ला के हूँ ए क्रॉस बी दैट इज ए क्रॉस बी, हाँ जी, फिर ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी, ठीक है, हाँ जी, उसके बाद फिर प्लस बी क्रॉस बी, हाँ जी, बी क्रॉस बी कितना जीरो, ठीक है, सेम वेक्टर का क्रॉस पर जीरो, फिर बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। आ बेटे थोड़े को एस एक्सप्रेशन नु सॉल्व करके आए, इन्हों एवं लिख लो डॉट सी प्लस ए, ठीक है, इन्नी गल समझ आनी चाहिए। सो पहला क्रॉस दूजा डॉट तीजा, फिर जब क्रॉस लिखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ला के तुसी एक्सपेंड कर लो, हुण अगे चलते, हाँ जी, हुण पहला डॉट पहला देखो ना, दिस डॉट दिस, फिर करांगे एदा डॉट एदे ना, हाँ जी, किन्ना आया पहला ए क्रॉस बी डॉट सी एदा एदे ना डॉट प्लस, अच्छा हुण आ ख्याल ना देखो, हुण मैं कैलकुलेशन ओमिट करनी है, इतों इत्थे की है ए क्रॉस बी एदा डॉट कह देना ए ना, तो मैं आ एक लिख देना अगे तो नहीं लिखूंगा, मैं ए क्रॉस बी डॉट ए, हाँ जी, किन्ना होगा ए क्रॉस बी डॉट ए, एक डॉट है एक क्रॉस है, और ए किन्ना बन जाएगा, ए बन जाएगा स्केलर ट्रिपल ए बी ए, क्योंकि दो वैक्टर सेम, एदा आंसर जीरो आ जाएगा। सो एदें प्लस फिर एदा एदे नाल की आएगा ए क्रॉस सी डॉट सी, समझ आ रही गल, ए क्रॉस सी डॉट सी, ए भी जीरो आ जाना, क्यों, एक क्रॉस है एक डॉट है दो सेम है ए भी जीरो, सो हाँ जी एदा ए क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है, ए भी किन्ना आ जाएगा ए क्रॉस सी डॉट ए, ए भी स्केलर ट्रिपल बन गया बट दो वैक्टर सेम है एदा आंसर भी जीरो, फिर लास्ट आ वाला बी क्रॉस सी डॉट सी ए भी जीरो आ जाएगा, सो दैट इज बी क्रॉस सी डॉट सी ए भी जीरो प्लस लास्ट किन्ना आ गया बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी डॉट ए। सो लेट अस सी तुहाडे को की बन गया, एक क्रॉस एक डॉट, सो आ हो गया स्केलर ट्रिपल ए बी सी प्लस अगेन एक क्रॉस एक डॉट आ भी ए बी, इन ऑर्डर लिख देना बेटे बी सी ते ए, ठीक है।
ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਵਾਈਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਏ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਦੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਸੀ ਸਾਈਨ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਵਾਈਸ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ 2a+b, 3a+4b, 4a-5b। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਂਸਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਆਂਸਰ 0 ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀਸ 3 ਵੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ? ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ? ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੇ। ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ? ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ? ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਫ, ਹਾਂਜੀ, ਵਟ? ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਪਲੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਪਲੇਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰ ਅਗਰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਫਿਊ ਮੋਰ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਗੇਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ। ਸੋ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਡਾਟ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ, ਕੁਇਕਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ 0, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਟ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਾਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਡਾਟ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਏ ਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਡਾਟ ਏ 0, ਦੋ ਸੇਮ ਹੈ। ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀ ਡਾਟ ਸੀ 0, ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀ ਡਾਟ ਏ 0, ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀ ਡਾਟ ਸੀ ਇਹ ਵੀ 0, ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ, ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀ ਡਾਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਸੀ ਹੈ, ਏ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਏ ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਟਨਲੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ, ਓਕੇ।